नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। या शायद लेकिन जो पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है इनाम गनी साहब, उनसे पूछा गया कि क्या हाफिज सईद की जो रिहायश गाह है, क्या मुमकिन तौर पे उसको निशाना बनाया गया। तो उनका कहना यह था कि पुलिस की चौकी की वजह से जो गाड़ी है वो हाई वैल्यू टारगेट की रिहायश गाह तक नहीं पहुंच सकी। अब वहां पे कौन सा हाई वैल्यू टारगेट की रिहायश गाह है, ये ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वहां पे हाफिज सईद की रिहायश गाह के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि ये वहां पे जर्नलिस्ट ने सवाल किया है। लेकिन मेरे लिए मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ऑब्वियसली हाफिज सईद एक हाई वैल्यू टारगेट है, हाई वैल्यू पर्सनैलिटी है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, वो जेल में हैं और उनके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल वक्त भी उनकी वजह से सहना पड़ा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि उन्होंने उनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी है जो एफएटीएफ ने पाकिस्तान में उस हवाले से काफी काम भी किया कि हमें हाफिज सईद को के मुतल्लक पाकिस्तान ने काफी ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की बात की कि हम उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। गो कि ये भी कहा जा रहा है कि उनको बड़ा लाडला सा रखा गया है और उनको उस तरह की जेल में नहीं रखा गया, ये भी उनके बारे में सवाल आते हैं। लेकिन ओवरऑल उनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कश्मीर के हवाले से था वो ऑब्वियसली टूट फूट का शिकार है, क्योंकि अब वो पुरानी बातें नहीं रही, अब मामलात चेंज हो गए हैं। तो ये सवाल जो मुझे मैं देख रहा हूँ और मेरे लिए ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि ये क्यों इस तरह की चीज हुई कि क्यों उनके घर जो है वो इस तरह के रिहायशी एरिया में है। अगर वो ऑब्वियसली हाई वैल्यू टारगेट हैं तो रिहायशी एरिया में उनका क्या काम बनता है कि वो इस तरह अपने आपको जो बाकी जो लोग हैं उनकी रिहायशगाहों के करीब लेके आए। ये हुकूमत का काम था कि आज अगर वहां पे लाहौर में ये वाकया हुआ है तो उसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है। फिर अगर हाफिज सईद की रेजिडेंस वहां पे मौजूद है तो फिर तो मुमकिन है कि इस तरह की चीज हो सकती थी कल को। तो जब हो सकती थी तो फिर उनको अवामी एरिया में रहने का तो कोई तुक नहीं बनता। उनका अगर जहां पे मरकज था, मुरीदके में कहा जाता है, जहां पे उनका फॉर्मली हेडक्वार्टर्स था, और वैसे तो अभी भी वो हेडक्वार्टर है उनका, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो अब कह रहे हैं कि हमने इसको फिलेंथ्रोपिस्ट अपरेटस में कन्वर्ट कर दिया है तो वो एक इस तरह की बात चल रही है। उनके ऊपर केसेस हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, अमेरिका ने उनको टेररिस्ट करार दिया हुआ है, ऑब्वियसली भारत के हवाले से वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट हैं। और ये अगर ये टारगेट वो थे तो ऑब्वियसली मुझे गर्ज उनसे नहीं है, मुझे गर्ज जो है वो अवाम से है कि अवाम के घर क्यों डैमेज हों या अवाम की लोगों की जानें क्यों जाएं या लोगों के घर क्यों टूटें और इस तरह के बंदे को आपने क्यों रेजिडेंशियल एरिया में रखा गया था। मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई नाइंसाफी वाली बात है इस तरह के लोगों को इस तरह के रेजिडेंशियल एरियाज में उनके घर या उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने इनके खिलाफ काफी मुकदमात तो दर्ज किए हुए हैं लेकिन और इनके ऊपर मुकदमात ना करने की वजह से और इनको प्रॉपरली उस तरह सजाएं ना देने की वजह से नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान को ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क लगता रहता है और बातें की जाती हैं, जैसे कि इंडियंस जो मैं देख रहा था कि जो एम्बेसडर है यूएन में, परमानेंट जो एम्बेसडर है यूएन में, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो इस तरह के लोगों को पेंशंस दे रहे हैं और ये बातें चलती हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जारी बात है, एफएटीएफ के हवाले से भी हमें बड़ा मुश्किल
पड़ी। और मैंने ये भी देखा कि हाफिज सईद की वजह से और उनके इस नेटवर्क की वजह से, जो कि ऑब्वियसली हाफिज सईद को एक लायबिलिटी समझा जाता है पाकिस्तान में, ही इज नॉट एन एसेट फॉर पाकिस्तान बट ही इज ए लायबिलिटी, बट ऑब्वियसली फॉर क्वाइट सम टाइम ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि हमें कश्मीर में जिहाद की, और ये इनका बहुत बड़ा अपरेटस और नेटवर्क मौजूद था लोगों को रिक्रूट करने में जहाद में, क्योंकि उस वक्त ये जमाना था जब अफगानिस्तान में जहाद अरूज पे था, तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जिस तरह अफगानिस्तान में जहाद जो है वो कामयाब हुआ है और हमने जो है वो सिंगल हैंडेडली सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट कर दिया है, गो के मैं पर्सनली इस चीज से एग्री नहीं करता क्योंकि हमने डिसइंटीग्रेट सोवियत यूनियन को नहीं किया था, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुई थी बिकॉज एक तो उनके अपने इंटरनल वीकनेस थी, प्लस जो अमेरिकन ने और सऊदीज ने जो वहां पे मदरसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फिर उनको स्ट्रिंगर मिसाइल दिए और क्या क्या ना तालिबान को दिया, तो हमने सोचा कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ और जिस तरह सोवियत यूनियन वहां पे हुई थी, कश्मीर में भी वो चीज जो है वो की जा सकती है। एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप बैक इन, तब तो मैं बहुत बच्चा था, 96, 97, 98 में, 99 में, लेकिन उस वक्त हम ड्रामे देखते थे बहुत ज्यादा जो पीटीवी पे कश्मीर के हवाले से चलते थे, और पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर का जो जहाद था वो बड़े अरूज पे था और बड़ी रिक्रूटमेंट हुआ करती थी और लोग जाया करते थे, और दैट वाज अ वेरी ग्लैमरस पीरियड इन टर्म्स ऑफ जहाद पाकिस्तान में उसको। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा बात कर रहे थे, जो लाहौर में एक धमाका हुआ आज और उस धमाके को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि ये हाफिज़ सईद के घर के बिल्कुल मतलब पास में हुआ है, और इस धमाके को लेकर इंडियन मीडिया में भी काफ़ी न्यूज़ आई थी, लेकिन पाकिस्तानी और पाकिस्तान के ट्विटर में जो पत्रकार हैं वो इसे टोटली डिनाइल कर रहे हैं। कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि यह गैस पाइपलाइन में हुआ एक धमाका है, और कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि हाफिज़ सईद वहाँ से कई गुना दूर रहता है, मतलब पाकिस्तानी पत्रकार ये बोल रहे हैं कि हाफिज़ सईद वहाँ से कई गुना दूर रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ये पाकिस्तान के पत्रकारों के ही मतलब जरिए से आई थी। कुछ पत्रकार जैसे आरजू काजमी, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि ये धमाका वहाँ हुआ है जहाँ पर मतलब क्या कहते हैं हाफिज़ सईद का ठिकाना है, उसके आसपास ही हुआ है। तो ये धमाके में बहुत सारे लोग मतलब जख्मी हुए हैं, लगभग 16-17 लोग, और 2-4 लोगों की डेथ हुई है, जो बहुत स्टार्टिंग की खबर थी। अभी ज़्यादातर लोगों के बारे में पता नहीं है, लेकिन धमाके से अब इंडिया से ही कनेक्शन निकाला जाएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि ये धमाका हाफिज़ सईद को मारने के लिए किया होगा, इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया में होंगी। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से तो इंडियन जो एजेंसी है या इंडियन है वो हाफिज़ सईद को नहीं मारेंगे, क्योंकि हाफिज़ सईद जो है वो ज़िंदा ज़्यादा काम का है, मरा काम का नहीं है। ज़िंदा हाफिज़ सईद को लेकर हम सारी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बता सकते हैं कि ये देखिए इसमें यूएन का इतना इनाम है, और उसके बाद भी ये पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से हाफिज़ सईद यूज़लेस हो चुका है, उसकी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी दिख नहीं रही है। अब पता नहीं पाकिस्तान या ISI ने उसे यूज़ करके अलग कर दिया, जिस वजह से अब वो इतना एक्टिव दिख नहीं रहा, या उसके जो मदरसे से निकलने वाले जिहादी बच्चे कश्मीर में आते ही मारे जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन ये धमाका तो हुआ है, और इसे इंडियन मीडिया ने इस नज़रिए से पेश किया कि ये हाफिज़ सईद के घर के पास हुआ है, और पाकिस्तान के ही तरफ से ये खबर पहली बार आई थी। तो अब पता चल जाएगा, और अभी तो मतलब यही पता चला है कि ये धमाका हुआ और इसमें मरे हैं लोग और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।